हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। इस वीडियो में हम देखेंगे कि HCL टेक बी प्रोग्राम और इंजीनियरिंग में से आपको क्या चूज़ करना चाहिए और क्या नहीं चूज़ करना चाहिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं HCL के टेक बी प्रोग्राम की। तो ये एक अर्ली करियर प्रोग्राम है जिसमें एक साल की एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग इंक्लूड होती है, मतलब आपको जॉब भी दी जाएगी साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और इसी जगह आपकी बीटेक जो होती है वो प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री होती है 4 साल के लिए। और उसके बाद HCL टेक बी एग्ज़ाम में सिर्फ आपकी IT फील्ड अवेलेबल होती है, जबकि बीटेक में आपकी बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT भी होती है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, ऐसी ऐसी आपकी बहुत सारी स्ट्रीम्स इंक्लूडेड होती हैं। और उसके बाद HCL टेक बी की बात करें तो इसमें आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो आपका HCL टेक बी SAT 1 होता है। और बीटेक की बात करें तो बीटेक में आपके बहुत सारे मल्टीपल एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जैसे कि आपका JEE एडवांस मेंस हो गया, VIT EEE, SRM JEE EEE, BITSET हो गया, COMET के, और सारे स्टेट वाइज एग्ज़ाम्स जो होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। उसके बाद HCL टेक बी की बात करें तो आपको HCL टेक बी में एनरोल होने के लिए 10+2 यानी कि आपने 12th करी होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज बोर्ड की तरफ से, जिसमें आपका जो मैथ सब्जेक्ट है वो मैंडेटरी है, आपके पास कंपलसरी 12th क्लास में मैथ्स होना चाहिए। इसी जगह बीटेक की बात करें तो बीटेक आपने साइंस स्ट्रीम से करी होनी चाहिए, जिसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट मैंडेटरी हैं। और HCL टेक बी एग्ज़ाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से अपनी बीटेक या फिर बीटेक की तरह जो आपके और कोर्सेज होते हैं BSc, BCA ये सब नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इंजीनियरिंग करने में और आपके पास फाइनेंशियल रीजंस कोई भी नहीं है, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप डेफिनेटली बीटेक के लिए जा सकते हैं। उसके बाद डिफरेंस देखें तो जो HCL टेक बी की फ़ीस होती है वो 2 लाख पर ईयर होती है। जो पहला साल आपको ट्रेनिंग का है उसमें आपको 2 लाख रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी, जिसमें आप बैंक से लोन लेके आप ये फीस पे कर सकते हैं। साथ में आपको जो ग्रेजुएशन की फ़ीस है, मतलब जो 1 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद जो आप ग्रेजुएशन ऑप्ट करेंगे उसमें आपकी 50,000 पर ईयर से भी कम आपकी फ़ीस लगेगी। इसी जगह अगर बीटेक या फिर इंजीनियरिंग को देखा जाए तो फिर आपकी जो फ़ीस है वो पर ईयर 5 लाख तक जाती है, और मिनिमम जो फ़ीस होती है वो 1 लाख होती है पर ईयर की, जो कि आपकी 5 लाख पर ईयर तक चली जाती है जो बड़े कॉलेज होते हैं उनके लिए। इसमें भी आप बैंक से लोन ले सकते हैं। और याद रखिएगा, जो इंजीनियरिंग की फ़ीस है इसमें आपके काफ़ी सारे एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट चार्जेस हो गए, एग्ज़ाम चार्जेस हो गए, और भी काफ़ी चार्जेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं HCL टेक बी की, कि जो अगर आप ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाती है आपकी फ़र्स्ट ईयर की और उसके बाद आप अगर ग्रेजुएशन ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। सत्सर यूनिवर्सिटी, जिसमें आप BCA कर सकते हैं 3 साल की, या फिर आप BITSET, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इसमें आप अपनी 4 साल की BSc कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो ग्रेजुएशन है ये मैंडेटरी होती है, याद रखिएगा BSc जो है आपकी 4 साल की होगी, BCA आपकी 3 साल की होगी, और जो कंप्लीट पैकेज होता है ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का, ये 6 साल का होता है। क्योंकि अगर आप BCA के बाद MCA करेंगे तो दोनों 3 ईयर्स की होंगी, और अगर आप BSc के बाद MTech करेंगे तो आपकी 4+2 ईयर्स 6 ईयर्स की होगी। और BTech की बात करें तो आप इनमें IITs, NITs, IIFT, BITS, VIT, SRM जैसे कॉलेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे, और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो मार्क्स होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको सीट दी जाएगी या फिर आपको जो स्ट्रीम है वो ऑप्ट की जाएगी। और उसके बाद बात करें HCL टेक बी की, तो यहाँ पर आपको स्टाइपेंड दिया जाता है हर महीने 10,000 का, जो फर्स्ट ईयर होता है ट्रेनिंग का उसमें। और उसके बाद इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलता, बट आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग के 4 साल के दौरान आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, और इंटर्नशिप करने के लिए आपको कम से कम 1 साल रुकना पड़ता है, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। और उसके बाद HCL की बात करें, जब आपकी 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो HCL की तरफ से आपको 2.5 CTC, मतलब 2.5 लाख पर एनम का आपको जॉब ऑफर दिया जाता है, जिसमें आपका फिर मंथली इंक्रीमेंट जुड़ता रहता है हर साल हर महीने।
और अगर देखा जाए तो 19 ईयर ओल्ड पर्सन के लिए 2.5 लाख का CTC काफ़ी सही चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है। और उसके बाद इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट फीस का पे करना पड़ता है स्टार्टिंग में ही। टेक बी में आपको 7 साल आपके अगर टेक बी में निकल जाते हैं, मतलब पहले साल की ट्रेनिंग और फिर 6 साल की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास 6 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो जाता है, और वो भी किसके साथ, इंडिया की 3rd largest IT कंपनी जो कि HCL है उसके साथ। और इंजीनियरिंग की बात करें तो 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद आप बिल्कुल फ्रेशर होते हो, जिसके पास जॉब की गारंटी भी नहीं होती कि उसके पास जॉब मिलेगी भी या नहीं। और HCL में एक सिक्योर जॉब और गुड प्रोफाइल आप ले लेते हैं, क्योंकि एक IT स्पेशलिस्ट की जो प्रोफाइल होती है काफ़ी अच्छी मानी जाती है, आज के टाइम में काफ़ी इसकी ज़रूरत भी होती है, डिमांड भी काफ़ी है। और इंजीनियरिंग की बात करें तो कम से कम आपको BTech के बाद 3 साल लगेंगे एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, और रेपुटेशन और श्योरिटी, जॉब श्योरिटी के लिए आपको कम से कम 3 साल लग जाएंगे बिल्ड करने के लिए। जबकि HCL में आपके जो थ्रू आउट द प्रोग्राम चल रहा है उसमें आपके 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास ऑलरेडी बन जाता है ना। उसके बाद बात करते हैं HCL में आपका जब 4 साल पूरे हो जाते हैं मतलब ग्रेजुएशन के बाद, तो जो आपका 2.5 CTC था वो अप्रोक्स 6 से 7 CTC हो जाता है सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही, क्योंकि जो आपकी सैलरी है वो इंक्रीमेंट होती रहती है, और ग्रेजुएशन के बाद एक साथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलता है, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस होती हैं जो ग्रेजुएशन वालों की डिमांड होती है, कि HCL की डिमांड होती है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं कुछ प्रोजेक्ट्स वो सिर्फ ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं, तो उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो आपकी सैलरी है वो इम्प्रूव की जाती है। और इसी जगह इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में काफ़ी बड़े पैकेजेस भी होते हैं और काफ़ी छोटे भी होते हैं, जो कि 2.5 से स्टार्ट होते हैं और 40 लाख पर एनम तक जाते हैं। और इंजीनियरिंग में आपके ओवरसीज़ पैकेजेस भी होते हैं जो देखे जाएं अगर ध्यान से तो वो भी 40 लाख पर एनम से कम ही होते हैं इंडियन करेंसी में। उसके बाद HCL क्या करता है, आपको अपने जो उनके ऑनगोइंग IT प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में और अब्रॉड, उनके लिए आपको ट्रेन करता है, जबकि BTech में ऐसा नहीं होता है। BTech में आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है एक अच्छी जॉब लेने के लिए। आपको क्या करना पड़ता है, कोर्सेरा, उडासिटी, EDX, ऐसे ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, इनसे आपको कोर्स करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम कोर्स जो होते हैं आपके, जैसे डेटा साइंस, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, क्योंकि ये सब आपके इंजीनियरिंग के सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं होते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता है, तो इसलिए आपको ये अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। उसके बाद आप HCL TechBee में ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर मास्टर्स डिग्री को बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऑप्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। जबकि अगर आप BTech के बाद मास्टर्स करना चाहते हैं MTech या MSc, तो उसके लिए आपको गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है उसी फील्ड का। अगर आप कंप्यूटर साइंस में आगे MTech करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस का ही गेट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, और जो गेट एग्ज़ाम है वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है सर इंडिया का। और उसके बाद क्या है कि HCL TechBee में इट्स ऑल अबाउट लर्निंग एंड परफॉर्मिंग वेल, जितना आप ज़्यादा अच्छे से लर्न करेंगे उतना ज़्यादा आप परफॉर्म कर पाएंगे अच्छा। और 1 साल की ट्रेनिंग जब आपकी ख़त्म हो जाती है HCL में, तो आपको HCL के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डायरेक्टली डिप्लॉय कर दिया जाता है, और आप जो वहाँ के वर्कर्स हैं जो पहले से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके साथ आप काम करने लग जाते हैं। जबकि BTech में क्या होता है कि ये 4 साल आप सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए सब्जेक्ट्स को क्रैम करते हैं, और अपने जो सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं माइनर मेजर वो आपको खुद ही बनाने पड़ते हैं, इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं करता है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो BTech के जो 4 साल होते हैं उसमें से जो सबसे पहला साल है फर्स्ट ईयर, वो कम्प्लीटली आपका 11th और 12th का सिलेबस होता है, जो आपने CBSE या फिर किसी भी बोर्ड से 11th 12th की है वो कम्प्लीट सिलेबस आपको दोबारा से करना पड़ता है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर कम्प्लीटली आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे बेस्ड होता है, तो आपको 1 साल वो दोबारा से करना होता है। नाउ फाइनल ओपिनियन की बात करते हैं कि आपको HCL TechBee एग्ज़ाम और इंजीनियरिंग में से क्या ऑप्ट करना चाहिए, क्या नहीं ऑप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हर दोनों के रीजंस हैं कि आपको क्यों और क्यों नहीं ऑप्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले TechBee पे आते हैं, इसमें क्या है कि अगर आप IT सेक्टर में अपना करियर स्ट्रांगली बिल्ड करना चाहते हैं और वो भी जल्दी अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप HCL TechBee प्रोग्राम के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं।
जबकि अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आप जब ही जाइए जब आपको टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिल रही हैं, जैसे कि IITs, NITs, IIITs या फिर और कोई रेपुटेड यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस मिल रहे हैं। मतलब आपको अगर टायर 1 या फिर टायर 2 के कॉलेजेस मिल रहे हैं तो ही आप इंजीनियरिंग में जाएं। अगर आपको टायर 3 के कॉलेजेस मिल रहे हैं, एग्जांपल के लिए जैसे दिल्ली का जो JGS IPU है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, या फिर जो स्टेट कॉलेजेस होते हैं, छोटे छोटे कॉलेजेस जो होते हैं, उनमें आप बिल्कुल भी ना जाएं, उनको कोई फ़ायदा नहीं है, ना प्लेसमेंट होती है, आपका करियर ख़राब हो जाता है। और उसके बाद सेकंड रीज़न आता है HCL TechB एग्ज़ाम को लेने का, कि अगर आपके कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो फ़ीस पे नहीं कर सकते हैं आपकी, क्योंकि इंजीनियरिंग की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप HCL TechB प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि आपको HCL TechB एग्ज़ाम की फ़ीस 2 लाख देनी पड़ती है, लेकिन आपको 2.5 का CTC भी मिलता है, स्टाइपेंड में मिलता है 10,000 पर मंथ का, जिससे आपके 2 लाख में से 1,20,000 तो एज इट इज ही वापस आ जाएंगे। तो इसीलिए आपकी ऑन एंड अराउंड 1 लाख फ़ीस बनती है HCL TechB एग्ज़ाम की, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटस आपका वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, आपके पेरेंट्स आपकी फ़ीस ईजिली पे कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, आपका जो एडमिशन है वो सिर्फ टायर 2 या फिर टायर 1 कॉलेज में लीजिएगा, टायर 3 में लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और इंजीनियरिंग के टाइम पे एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो लोअर स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे मैकेनिकल हो गई, इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल, इन सब की कोई भी वैल्यू नहीं होती इंजीनियरिंग में, इन सब की प्लेसमेंट भी नहीं हो पाती है। तो सिर्फ टॉप की स्ट्रीम्स ही लें, जो आपकी 3 स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आप इन तीनों को ऑप्ट कर सकते हैं। और जो फाइनल ओपिनियन बनता है वो सिर्फ आपका ही बनेगा। आप अपने आप से पूछिए कि डू यू फील लाइक इट इज़ वर्थ फॉर यू, क्या ये आपके लिए मायने रखता है। HCL TechB इंजीनियरिंग में से आप जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो जैसे हमने आपको सारा बताया इन दोनों के बारे में, आप उसको माइंड में रख के अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगा डिसाइड करने के लिए, आपको बार बार ये टाइम नहीं मिलेगा। और लास्ट में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, आपके पास अगर कोई भी डिग्री है, BTech, BE, BSc, BCA, कोई भी मैटर नहीं करती है, सब एक समान होते हैं, सब इक्वल होते हैं, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो क्या है, आप किस कॉलेज, किस इंस्टीट्यूट से, रेपुटेड इंस्टीट्यूट से पढ़ रही हैं, और किस तरह की द क्वालिटी ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स यू आर गेटिंग, किस तरह की आपको नॉलेज और स्किल्स, किस क्वालिटी की आपको वहाँ से मिल रही हैं। तो एट लास्ट आपकी नॉलेज और स्किल्स ही मैटर करेंगी कि आप कितने अच्छे एंड्रॉयड वेब डेवलपर हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कि आपकी डिग्री मैटर नहीं करेगी, कि आपने कौन सी डिग्री ली है, कौन सा प्रोग्राम किया है, ये सब मैटर नहीं किएगा। डेट्स ऑल इन दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।